What is this program? What is this program? I'm covering PM Modi. Modi सरकार. What's your name? Modi सरकार क्या किया बताइए? बताते हैं मैया पर रोजना. वो क्या किया है कि पहले तो था 100 रुपए में वैकेंसी निकालते थे. जितना जो वैकेंसी था फॉर्म के दाम 100 रुपये था. हाँ, फिर जब जब से मैया रोजना निकाला है तो क्या किया है सब आप, जब मैया के जब बेटा है ना जैसे हमरेन वकील से क्या किया फॉर्म के दाम 500 रुपया कर दिया. मतलब जो जेटेट निकला था फॉर्म जेटेट उसका बहाली कर 1500 कर दिया है. आप क्या किया है तो मतलब बेटा पैसा लेके आपको मजाक देते रहा है. मोदी जी को देखने आए? देखने नहीं आए, प्रश्न करने आए. क्या प्रश्न करने? कि देश के लिए तो मोदी ठीक है, राज के लिए इसकी सरकार अच्छा नहीं है कि परिवर्तन की सरकार ला रही है. हम भी इसको पूछना चाहते हैं कि इनकी सरकार भी 5 बार मुख्यमंत्री बने तो इनकी सत्ता भी 2014 से 2019 तक रही. इनकी सत्ता रघुवर सरकार की सत्ता रही, डबल इंजन की सरकार रही थी. क्या हमारे झारखंड वासियों को क्या लाभ दिए थे? हम कहते हैं कि जब नियोजन नीति नहीं ला पा रहे. अभी हेमंत सोरेन की सरकार है तो क्या वो नियोजन नीति ले पाए? नहीं नहीं दे पाए तो पूरा फेल्योर रही. विरोधी सरकार रही, 0% लाख नहीं है क्योंकि ये तो मैया योजना में सबको ठगने में प्रयास कर रही है. अरे सोच रहे कि हमने बहुत अच्छा प्रयास किया महिला लोग ठीक है. इनकी चुनावी भत्ता था, मानते हैं कि उनका था, तो ये 2 महीने अभी नहीं चुनावी आया. ये जखनी सरकार बनी थी 6 महीने बाद शुरू की रहती तब मानते कि इनकी योजना सही है. अभी चुनावी मुद्दा बनाया हेमंत सर. गैस पास करा दीजिएगा. गैस पास करा दीजिएगा. ठीक है, गैस पास. प्रधानमंत्री जी, यहाँ गैस नहीं मिल पा रहा है. शीला देवी को गैस नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा? थोड़ा प्रबंध करो. शीला देवी जी को गैस नहीं मिल रहा है. राशन मिल रहा है ना? हाँ, राशन मिलता है. राशन मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, तो पकेगा कैसे? ठीक है ना, इतना तो हम लोग आए ना, कहाँ मिलेगा देखेंगे ना. बहुत अच्छा है आप लोग आए सुनने के लिए. बिल्कुल सुनिए, देखिए क्या दे रहे हैं. आपका हक है जानना. सीजीएल का क्या होगा? डायरेक्ट हमारा सीएम से, हमारा राज्य के सीएम से प्रश्न है. आप तो बोलते हैं कि हमारा आयोग ने कर रहा है, तो आप क्यों मुखिया बने हैं? राज क्यों चलाने बैठे हैं? आपको सत्ता नहीं संभाला जा रहा, गद्दी छोड़ न दीजिए. कितना बार फॉर्म भरवाया, 28 जनवरी का एग्जाम लिया, वो भी रद्द किया. हम लोग का 350 किलोमीटर दूर भेजा था, पाकुड़ जिला भेजा. आप एग्जाम दिए थे? दिए थे 28 तारीख को, बस में नहीं आए तो उसमें फिर देखे क्वेश्चन लिखकर रद्द कर दिया. फिर आज 22 तारीख को एग्जाम दिए तो ये नहीं, एग्जाम देकर रूम से नहीं आते हैं तो क्वेश्चन लीक हो जाता है. जब आपका क्वेश्चन पत्र आपको बाहरी लोग कौन लीक करता है? आपको वहाँ के चेयरमैन डायरेक्ट लीक करता है, आपको वहाँ पे सचिव वो लीक करता है जिसमें सीएम संलिप्त है. क्योंकि बाहरी लोग कौन नहीं कर सकता, आपको एजेंसी ने गुप्त रखा. क्यों गुप्त रखा? एजेंसी को आपने हायर क्यों नहीं किया? आपने नेट बंद करके क्या सोचा कि हमने क्वेश्चन लीक नहीं करेंगे? मैया योजना तो 1000 रुपए दे रहा है सबको, दिया 2 महीने से. विकलांग को 4 महीने क्यों रोका पेंशन? जिसकी पैसा उसी को अबू आवास मिल रहा है. कैसे? क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमसे ही पैसा मांगा और हम लोग को नहीं दिया था. वहाँ को उसका कौन पैसा मांगता? सब मांगता, वहाँ के अधिकारी लोग भी मांगता है. कितनों भी अंबा प्रसाद भी इसका विधायक है, युवा विधायक है. शिल्पी नेहा तिर्की भी युवा विधायक है. खाली लोग बाहर में बोलने आता, राजनीति करने आता है, अंदर में जाएंगे ना तो विधानसभा में बोलने का नहीं औकात नहीं होता कि हमने क्या स्टूडेंट का बात रखे. आप देख सकते हैं हमारा सीजीएल रद्द होना चाहिए. नहीं रद्द होगा, इस सरकार को कभी नहीं आने देगा. इसका एक भी कांग्रेस और जेएमएम का सरकार ना एक भी विधायक देखना नहीं चाहेंगे. सारे युवा से अभियान करते हैं पूरा 2400 जिला के कि जेएमएम का कांग्रेस को उखाड़ के फेंकिए और बीजेपी को भी उखाड़ के फेंकने का आवश्यकता है कि हमारे 24 साल में 13 मुख्यमंत्री बने. एक तो जब हमारे लोग पूछना चाहे तो वो अपने डांट के आकर्षित बोलते हैं कि नहीं करना है. अच्छा, डांट कर बोल रहे थे सुधीर गुप्ता जी. अच्छा, बोल रहे थे कि आपको कैश कर देंगे क्या? नहीं, नंबर क्या आपने इससे किया तो नहीं करेंगे. तो हम पूछते हैं, आप सचिव हैं तो किसको पूछेंगे? आपने ये क्वेश्चन लिख किया ना, कौन लिख किया? बाहरी आदमी आया 10th लेवल का, झारखंड वासियों का लूटने का आवश्यकता कर रहे हैं और 35 लाख में सीट बेचिएगा. हमसे मांगा जा रहा था 30 लाख दीजिए. कौन मांगा पैसा? मांग रहा था उसका दलाल लोग, बोलता अफसर लोग लिख तो होता है, अफसर लोग इसमें सारा क्वेश्चन लिख करवाता है. पैसा मांगा? हम अफसर लोग नहीं मांगा, दलाल लोग मांग रहा था. हमारे पास रिकॉर्डिंग है जो 30 लाख मांग रहा था. अच्छा, रिकॉर्डिंग है? हाँ, रिकॉर्डिंग है उसका. आप दे सकते हैं हम लोग को? दे सकते हैं. उछलता तो हम लोग लगा ले कोर्ट में. कहाँ सोचता है
लेकिन सबसे खराब अभी लग रहा है, कोई जिसे पूछता है बेटा क्या कर रहा है, पढ़ रहा हूँ, पढ़ते हो अभी ले, मतलब सबसे खराब सबसे खराब अभी हम लोग सब बाल नहीं पका अभी, तो बाल कैसे पकेगा मतलब वापस। तो सरकार के खिलाफ छात्रों में काफी रोष है और उन्होंने उन्होंने अपनी बातों को खुलकर कहा है। पढ़ते पढ़ते कहा होगा नहीं, अगर जिसका अगर बाल ना पकता है तो बाल सफेद हो जाएगा, लेकिन जिसका अगर बाल सफेद नहीं होता उसके ऊपर बाल झड़ जाएगा। अरे खत्म हो गया क्या जी, खत्म हो गया, बिक गया सब है, क्या बेच रहे थे? चना बेच रहे थे, पूरा बिक गया, नहीं और माल बचा हुआ है माल। तो प्रधानमंत्री तो फायदा करवा दिया जी सर। कोडरमा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे कोरोना का समस्या बड़ी यही है कि जो उद्योग उद्योग है एकदम भ्रष्ट हो चुका है, उद्योग खत्म हो हाँ, और करप्शन भरा हुआ है, जैसे प्रखंड से लेके केंद्र तक बिना पैसे के मांग कुछ होता नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ ऐसा है कि अब सीओ पास जाइए, वीडियो पास जाइए, पहले पैसा दीजिए वो होगा नहीं होगा। ये जो मैया समान योजना जो हेमंत सोरेन लाए हैं तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मैया समान योजना के लिए मोटिवेट कर रहा है, वो आकर्षित कर रहा है, जैसे शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं। चौपारण मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, मिल रहा है। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हेमंत सोरेन कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी से भेंट करने आए? मोदी जी से भेंट करने आए हो? कहाँ से भेंट करने आए हो, कहाँ रहते हो? वोटमारी में। मैया सम्मान योजना मिल रहा है? नहीं तो हमें न छुआ चलते योजना का लाभ मिल रहा है जी, आ रहा है ना? हाँ। आप लोग खुश हैं जी? थोड़े मकान गिर गया ऐसे रहने नहीं, इतना जुलुम हो रहा है ये उधर देखने वाला बात है। दक्कन भुइया तोराड़ने है, दीवल बांध तोराड़ने, वहाँ पर देखने वाला सामान है ऐसा, इतना तकलीफ नहीं है, जब बरसा बरसाता है तक रात भर बैठल रहते हैं। ऐसे ही लोग बिल्कुल सही होते हैं कि जितनी भी समस्या हो बिल्कुल अरे कोई समस्या नहीं है, तो हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ठीक है, हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। ठीक है, नहीं अपना तो हम लोग आए ना, काम मिलेगा देखेंगे ना। बहुत अच्छा है आप लोग आए सुनने के लिए, बिल्कुल सुनिए, देखिए क्या दे रहे हैं, आपका हक है जानना। अरे प्लेट भर गया फिर से? भर गया सर, अभी खाली हो जाएगा थोड़ी देर में। नहीं चलिए चलिए, बहुत अच्छा है। कैसे प्लेट है? 10 का है सर। 10 का है ना, बोलना चाहिए, जो दिक्कत है ना वो बताना चाहिए, शिकायत नहीं होता है, दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत का तो आदमी सोल्यूशन निकाल देगा। क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ? मेरा सहबाज। क्या करते हो? पढ़ते हैं। कहाँ? यहीं पे मटवारी। मटवारी में पढ़ते हो? हाँ। कौन क्लास में? सिक्स में। सिक्स में? हाँ। यहाँ पीएम को देखने आए हो? हाँ। प्रधानमंत्री? हाँ। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूँ राकेश सिंह। अभी मैं हजारीबाग में हूँ और हजारीबाग के मटवारी मैदान के पास हूँ। आप ये जो भीड़ देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भीड़ आई है, और भीड़ इतनी है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं है, लोग मुश्किल से चल पा रहे हैं। और ये सांसद हैं मनीष जायसवाल जी। ये भी भीड़ में भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं और अंदर की ओर जा रहे हैं। फिलहाल मैं हजारीबाग में हूँ और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आ रही है। हजारीबाग के मटवारी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और ये भीड़ जो है लगातार आई जा रही है, बहुत ही उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। मैं प्रदीप को बोलूँगा, आप पीछे भी दिखाइए कि जितनी भीड़ आगे से आ रही है उतनी भीड़ पीछे से भी आ रही है। मटवारी मैदान का जो दृश्य है वहाँ सर ही सर दिखाई देंगे आपको। जगह नहीं है क्या? बहुत भीड़ है, बाहर जा रहे हो? जगह नहीं है क्या? अच्छा, स्वागत करने जा रहे हो? भीड़ बहुत भीड़ है, जगह नहीं है। ये मटवारी का गांधी मैदान है प्रदीप, ये मटवारी का गांधी मैदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस यहाँ पहुँचने वाले हैं, भीड़ उत्साहित है। जन सैलाब को देख के क्या कहेंगे, जो जन सैलाब आया है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए? देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं,
वो उनको सुनने के लिए झारखंड के हर कोने से कार्यकर्ता और आम जनता सड़कों पर उतर आई है। आप देख रहे हैं भारी जनसैलाब है, सड़कों पर आल है, मैदान में जो होगा नज़ारा वो अलग होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी सभी के चाहते हैं। आज परिवर्तन यात्रा का समापन है, अब क्या पाया आपने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से? परिवर्तन यात्रा के माध्यम से आप देख रहे हैं कितना जनसैलाब है। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि परिवर्तन आधा परिवर्तन हो चुका, आधा परिवर्तन चुनाव में हम लोग कर देंगे। ये देखिए, झारखंड में जो जनादेश मिला था और हेमंत सरकार को और जनादेश को अपमानित करने का काम किया, कलंकित करने का काम किया, उसके खिलाफ लोगों ने मन बना लिया है कि नहीं, जो गलती हुई थी जनता उस गलती को मान रही है, यहाँ के लोग मान रहे हैं और लोगों ने 341 करोड़ जनता झारखंड की अभी मन बना चुकी है कि झारखंड को भाजपा ने बनाया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने, और एनडीए और भाजपा के साथ झारखंड चलेगा। ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, चूँकि जो मटवारी का गांधी मैदान है पैर रखने की जगह नहीं है, मैदान भर चुका है और भीड़ अभी भी आए जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये झारखंड की जनता का प्यार है अपने प्रधानमंत्री के लिए। मुझे लगता है ये गांधी मैदान हो या कोई भी मैदान हो, प्रधानमंत्री की सभा के लिए हर मैदान छोटा है, क्योंकि हर झारखंडवासी और हर भारतवासी के दिलों में हमारे प्रधानमंत्री जी बसते हैं। और जो निरंतर जो हमारी परिवर्तन यात्रा जो चल रही थी, ये पार्टी की परिवर्तन यात्रा नहीं है, ये जन जन की परिवर्तन यात्रा है। झारखंड का 3.5 करोड़ जनता जो है परिवर्तन चाहता है। What is this program? What is this program? I'm covering PM Modi. मोदी सरकार। What's your name? मोदी सरकार क्या किया बताइए? आप बताइए क्या किया है, क्या नहीं किया, क्या किया बताइएगा ना। हमको चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, पानी। हाँ। हमको क्या दिया? हम कमा रहे, खा रहे हैं, जी रहे हैं। कमा रहे हैं, पढ़े हैं। जरूर मारा? पढ़े हैं। हाँ जी। कितना पढ़े हैं? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी पढ़े हैं, तब वो नौकरी नहीं मिला आपको? हाँ जी। नौकरी करते हैं? नौकरी कहाँ मिला, बेरोजगार हैं। यूनिवर्सिटी पढ़ के ग्रेजुएशन कर लिए? यस। और देखिए, फिर भी नौकरी नहीं मिला? नहीं मिला। तो यहाँ तो राज्य सरकार नौकरी देगा ना? सर बताइए, राज्य सरकार नौकरी देगा? सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ कौन नौकरी देगा आपको? कौन देगा? मोदी सरकार देगा। यहाँ हेमंत सरकार है ना जी? हेमंत सरकार है यहाँ? हेमंत सरकार, हेमंत सरकार कहा गया? अब भाई, आई डोंट नो व्हाट इज दिस प्रोग्राम, बट गो एंड विजिट पीएम मोदी प्रोग्राम। आप प्रधानमंत्री का प्रोग्राम देखने हम उसी को प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं हम। जी जी। हमको रोजी दीजिए बस। अभी प्रधानमंत्री के समर्थक, भाजपा के समर्थक भारी मात्रा में प्रधानमंत्री को सुनने पहुंच रहे हैं। ये जो पोस्टर आपने दिखाया, पोस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभियान चलाया है हजारीबाग में, प्रदीप प्रसाद 1,00,000 पेड़ लगाया है। ये सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं और सब अपने प्रचार प्रसार में भी लगे हैं। एक पेड़ माँ के नाम। सारे भाजपा के समर्थक हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। आज परिवर्तन यात्रा का समापन भी है, भारत माता के किरदार में हैं, गांधी जी के किरदार में हैं, बजरंग बली के किरदार में हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किरदार में हैं। और यहां पे चना बेच रहे हैं। आपका बिजनेस आज ज़्यादा हो रहा होगा? ज्यादा तो भैया रहा सर, प्रधानमंत्री बिजनेस बढ़ा दिया। तो बोले ना, कहाँ बेचते हैं? अरे इतना पैसा कमा रहे थे तो साल। देखिए सर, 10 का 7। बोलिए बोलिए, व्यवहार आपको कैसे चल रहा है? बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस ठीक चल रहा सर, ठीक ठाक बिक गया है, ये खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। खुश है? चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका बिजनेस बढ़ा दिए हैं आके। और यहाँ बुजुर्ग लोग भी है, कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए? हम लोग झुमरा से आए, झुमरा से आए हैं देखने के लिए। हाँ, मोदी जी के। मोदी जी को? हाँ। अच्छा। हम लोग के पेंसिल नहीं मिल रहा है। अच्छा, नहीं मिल रहा है? नहीं। क्यों? अब हो ही नहीं रहा तो क्या करेंगे। अच्छा। ठीक है। और सब ठीक है? ठीक है। पेंशन खाली नहीं मिल रहा है? नहीं। आप लोग कहाँ के हैं? हम लोग कोडरमा से। कोडरमा से आए हैं? अरे वाह, यहीं रहते हैं, कोरोना से आए नहीं हम लोग। अच्छा, स्टूडेंट हैं आप लोग? हम लोग पहले से पता चल रहा है कि मोदी आएंगे। बेरोजगारी का आलम कहीं हट जाए इनके सरकार में। अच्छा, सीजीएल के लेकर आए हैं हम लोग यहाँ रद्द करने के लिए। रद्द करने के लिए? मांग डिमांड है हम लोग का, पूरा पेपर लीक हो, डिमांड हम लोग का है कि बोल सीजीएल एग्जाम जो रद्द करने का प्रयास किया जाए, उसमें बहुत ज़्यादा पेपर लीक हुआ है, जिसमें हम लोग प्रूफ भी दिए हैं
लेकिन आयोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ स्टूडेंट्स भी हैं और वो खफा हैं, जो CGL JSSC का जो परीक्षा हुआ था उसको लेकर काफ़ी लोग आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हजारीबाग से। क्या नाम हो आपका? राकेश मेहता। सब बच्चों को लेकर आए हैं? बिल्कुल दिखाने। बिल्कुल। हम लोग जब छोटे छोटे हुआ करते थे तो हमारे मम्मी पापा भी लेकर जाया करते थे। ये अच्छा अनुभव है एक तरीके से। जी जी, बच्चों को ला रहे हैं। जी, यहाँ अलग पंचायती चल रहा है। नेताओं का भाषण मंच से लगातार चल रहा है, लेकिन यहाँ भी भाषण चल रहा है। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी तकलीफें हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब अपनी अपनी तकलीफें अपनी पीड़ाएं सुनाने के लिए भी यहाँ पहुँचे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? तिरला से, बगोदर से। तिरला से? बगोदर, तिरला। बगोदर से आए हैं? हाँ, बहुत लोग आए हैं। हाँ, बहुत लोग आए हैं। छोटा छोटा बच्चा भी आया है? हाँ, सब आए हैं। इसको भूख प्यास नहीं लगेगा? नहीं, अभी तक दूध नहीं पिया है। खाना लेकर आए हैं? नहीं। आप लोग कहाँ से आए? तिरले से। हाँ, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन तो हम लोगों के लिए 5 साल में कुछ कर नहीं पाया। तो उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान से कुछ परिवर्तन होगा और BJP का सरकार बनेगा, तो उसमें कुछ युवाओं के लिए हो पाएगा। सचिवालय का एग्ज़ाम हम 2 बार से दे रहे हैं। 28 जनवरी को भी मेरा पहला शिफ्ट में ही एग्ज़ाम था, जिसमें अच्छा एग्ज़ाम भी गया, लेकिन घर भी एग्ज़ाम दे करके सेंटर से नहीं पहुँच पाया और पता चला कि पेपर लीक हो गया है। अभी 22 तारीख को भी था पेपर, उसमें भी वैसा ही हो गया। ठीक है, तो ये सरकार जो है पूरी षड्यंत्र के साथ सरकार के संरक्षण में और आयोग के संरक्षण में पेपर लीक करवाया जा रहा है, और इसमें जिसके पास पैसा है उसी को नौकरी मिल रहा है। मतलब अमीर का बेटा को ही नौकरी मिलेगा, जो गरीब का बेटा है उसके हक को छीन करके और अमीर के बेटा को देने का प्रयास देने का कार्य किया जा रहा है हेमंत सोरेन के द्वारा। ये कहने को तो आदिवासी और मूलवासी का सरकार है, ठीक है, लेकिन सेटिंग भी जो होता है, सेटिंग से जो नौकरी मिल रहा है उसमें भी सिर्फ बाहरियों को नौकरी मिल रहा है। सरकार का ये बहुत बड़ा एक साजिश है, ठीक है ना, हेमंत सोरेन का, और साजिश के तहत यहाँ के गरीबों को और गरीब बनाने का कोशिश किया जा रहा है। तो ये कुछ छात्र हैं जो प्रधानमंत्री से उम्मीद लगाए हुए हैं कि जो रोज़गार का मुद्दा है, जो परीक्षा का मुद्दा है, प्रधानमंत्री हो सके कुछ मंच से उसके बारे में कहें, उसका हल निकल पाए, और जो मौजूदा हेमंत सरकार है उसके प्रति रोष है, और इनका कहना कि एक षड्यंत्र के तहत ऐसा हो रहा है। हम आगे भी लोगों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ बोलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रकाश मेहता हुआ। कहाँ से आए? मैं कोडरमा जिला के रहने वाला हूँ। मुझे प्रखंड से केंद्र अवार्ड मिला है। अरे वाह। और मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में गांधीनगर में अवार्ड दिए हैं। अरे वाह। और मुझे अभी जो किस क्षेत्र में अवार्ड मिला है? मुझे मिला है आपका गुजरात गांधीनगर में एग्रीकल्चर। हाँ, तकनीकी वैधानिक पद से खेती किया हमने। अरे वाह। तो हमको 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उसमें अवार्ड दिए हैं। उसके बाद हमको एडिशन ब्लू में आपका 2019 में 18 सितंबर को 5 लाख केंद्रीय विभाग से मिला हमको। केंद्र राधामोहन सिंह केंद्रीय कृषि मंत्री थे, उसमें हमको मिला। और आज प्रधानमंत्री जो दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जो किसान के लिए कोष दे रहे हैं, मुख्यमंत्री उसे मदद हो पा रहा है? आप हो पा रहा है। और मुख्यमंत्री कृषि निधि सम्मान जो मिल रहा था मुख्यमंत्री माध्यम से, वो बंद कर दिया। बंद हो गया झारखंड सरकार? हेमंत जी वो किए कि जो महिलाकाना हक 1 रुपये से मिल रहा था महिलाओं को रजिस्ट्री, वो भी बंद हो गया। अच्छा। आज हम कोरमा जिला से प्रथम पुरस्कार मिलने वाले, हम शिक्षा योगदान और पर्यावरण को देख रहे हैं, जो मेरा नाम अभी तक रोशन है। मैं अपने जीवन में 1000 बरगद पेपर मैं लगा दिया है। कोडरमा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे कोडरमा का समस्या बड़ी यही है कि जो उद्योग योद्योग है एकदम भ्रष्ट हो चुका है, उद्योग खत्म हो चुका है। हाँ, और करप्शन भरा हुआ है, जैसे प्रखंड से लेके केंद्र तक बिना पैसे के मांग कुछ होता नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ ऐसा है कि अब CEO पास जाइए, BDO पास जाइए, पहले पैसा दीजिए, होगा नहीं होगा, मतलब नीचे तक भ्रष्टाचार है। हाँ, भ्रष्टाचार पूरा चरम सीमा पर लड़ा हुआ है। मैं किसान हूँ, हम लोग किसानों काम करते हैं, लेकिन फिर भी लॉलीपॉप देता कि मुफ्त होगा, ये होगा, क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। आज यही कारण है कि हमारे किसान बहुत मायूस हैं। वो उद्योगपति भी जो बोलता है कि वहाँ बोले थे हेमंत सरकार कि मैं ढिबरा और पत्थर पर रोक लगाऊँ, मतलब खुला कुछ छोड़ दूंगा। अब एक बार तो ये हरा झंडी दिखा दिए, उसके बाद पूरे शासन बंद कर दिया। इसलिए आज हेमंत सरकार से बहुत रुष्ट है लोग, केवल क्या करते हैं, केवल बढ़ावा दे रहे हैं अमीरों का।
ये जो मैया समान योजना जो हेमंत सोरेन लाए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैया समान योजना के लिए मोटिवेट कर रहा है, वो आकर्षित कर रहा है। जैसे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं। अच्छा, यही है इनका काम, यही है। आज हेमंत सोरेन जो था, कितना बड़ा मुख्यमंत्री था, एक साल में ये सब। देखिए, क्या आप सोचते हैं मैया सम्मान योजना को लेकर? क्या नाम हो आपका, पहले नाम बताइए। मेरा दीपक कुमार गुप्ता हुआ, मैं हजारीबाग का लोकल निवासी हूँ। तो मैया सम्मान योजना को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा ये है कि ये केवल चुनावी माहौल के कारण से ये सब किया जा रहा है, ताकि सबको अपने और वोट के लिए आकर्षित कर सके। ठीक है, लेकिन जो महिलाओं को पैसा मिल रहा है, उससे महिलाओं में उत्साह है कि नहीं है? आपके घर में पैसा उत्साह है? मेरे घर में तो नहीं आया है। ठीक है, जिनके घर में जो पैसा जा रहा है, महिलाएं उत्साहित हैं? है, कुछ महिलाएं उत्साहित भी हैं। तो उत्साहित है तो युवाओं के लिए तो कहाँ कुछ कर रहे हैं, युवाओं के लिए तो कुछ करना चाहिए। यहाँ महिलाएं आई हैं। प्रदीप, यहाँ आइए। आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? चौपारण। मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। पैसा वैसा मिल रहा है? मिल रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हेमंत सोरेन कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। सब लोग खुश है? नहीं। महिलाएं काफ़ी खुश हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं खासकर, उनमें खुशी है कि भाई हज़ार हज़ार रुपये मिल रहा है महीने का। कहाँ से आए हैं? हम लोग मरकच्चों से आए हैं। हाँ, प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं। हाँ, कुछ बोलना है प्रधानमंत्री को? अभी क्या बोलेंगे हम? नहीं, कुछ होगा मन में, माइक में बोल दीजिए, हो सकता है सुन लें। हम लोग क्या बोलेंगे? सब ठीक है। क्या नाम हुआ? बोलो अपना नाम बोलो। मोदी से भेंट करने आए। मोदी जी से भेंट करने आए हो? कहाँ से भेंट करने आए हो, कहाँ रहते हो? वोटमारी में। हाँ, तो प्रधानमंत्री से क्या नाम हुआ आपका? दिव्यांश कुमार। क्या नाम? दिव्यांश कुमार। अच्छा, कौन सा क्लास में पढ़ते हो? सुगिंग के स्कूल। हैं? सुगिंग के स्कूल। और क्लास कौन सा है? वन में। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? एलकेजी में पढ़ते हो। तो एलकेजी का छात्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहता है, तो ये बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। कहाँ से आए हैं? कटकम साड़ी से। हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं। हाँ। कुछ बोलना है प्रधानमंत्री को? जब बोले खोते से हम बोले थे मैया सम्मान योजना मिल रहा है? नहीं तो हमें नहीं, छुआ के चलते नहीं रहे। योजना का लाभ मिल रहा है जी? कुछ तो आ रहा है ना। हाँ। आप लोग खुश हैं जी? डॉक्टर को दिखाइए, उसको दाग हो गया है, बच्चा को कुछ इन्फेक्शन टाइप का हुआ है। आप लोग कहाँ से आए हैं? चौपारण से आए जी। अच्छा, प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे बताइए, माइक पे कुछ बोलिए। बोलना तो कोई विशेष नहीं चाहेंगे, हम लोग प्रधान इस सरकार के अंदर हैं, जो सुख सुविधा सबको मिलती है वो हम लोगों को भी मिलनी चाहिए। क्या नहीं मिल पा रहा? ऐसे तो जो है मिलने को मिलता है, लेकिन और लोगों को जो है, हमारे सहयोगियों को नहीं मिल पा रहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा लखन भुइयां नाम है। लखन भुइयां? हाँ, कटकम सांडी से। बहुत लोग कटकम सांडी से आए हैं। कटकम सांडी यार आगे है, ढोठवा तरफ से आए हैं, वहाँ से आए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए जी। कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहने के बहुत कुछ कहेंगे तो। बहुत कुछ कहना है तब बोलिए, थोड़ा बहुत बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? थोड़ा बहुत का कुछ तकलीफ तो हो रहा है। क्या तकलीफ हो रहा है? तकलीफ हो रहा है जो राशन कार्ड थोड़े आदमी के नहीं, व्यक्ति के बनल है। राशन कार्ड नहीं बना है? नहीं। अच्छा, थोड़े मकान गिर गया ऐसे रहने नहीं, इतना जुलुम हो रहा है जो उधर देखने वाला बात है। लखन भुइयां तोराड़ने है, दीवल बांध तोराड़ने। अच्छा, वहाँ पर देखने वाला सामान है ईसा, इतना तकलीफ नहीं है जो बरसा बरसता है, तकनी रात भर बैठल रहते हैं और गिर के चारों भर स्थावर हो गई है। सरकार का कोई आदमी वहाँ पहुँचता है? कोई विधायक लोग आता है? विधायक नहीं जाता है, खाली मुखिया जी के कैकबाजी जाते हैं और कहते हैं, तो कहता है जो आबर आएगा, आबर आएगा करते करते। यहाँ बहुत लोग हैं जिनकी अपनी अपनी पीड़ा है और प्रधानमंत्री के सामने अपनी पीड़ा को रखना चाहते हैं,
बहुत दूर दूर से लोग आए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए और बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं प्रधानमंत्री को। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग बरकट्ठा से आए हैं। बरकट्ठा से आए पीएम को देखने? हाँ जी। क्या कहेंगे? कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शहर में आने के लिए और हम बहुत उम्मीद से देखने के लिए आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? कौन गांव से आए? हाँ, कौन गांव से आए? ओ, हम लोग गांगरी से आए हैं। गांगरी से? हाँ। प्रधानमंत्री को देखने? हाँ। सुनना है? हाँ। क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलेंगे हम लोग देखने आए तो हम लोग कहाँ भेंट हुआ हमसे? भेंट नहीं होगा, लेकिन कुछ मन में होगा ना कि प्रधानमंत्री अगर के सामने हम कुछ बोलना चाहते हैं? चाहते हैं क्या? चाहते हैं लेकिन कहाँ जगह तरह भीड़ में कहा जाएंगे हम लोग? समस्या कुछ होगा? कुछ समस्या क्या बताएंगे? नहीं है आपका? सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही लोग बिल्कुल सही होते हैं कि जितनी भी समस्या हो बिल्कुल अरे कोई समस्या नहीं है, तो हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बहुत लोग हैं जो ज़िंदगी बिल्कुल अपने तरीके से जीते हैं, मस्त रहते हैं, समस्या होने के बावजूद भी कहते हैं समस्या नहीं है, बेहतरीन, यही असली ज़िंदगी जीने का नज़रिया है। अरे ख़त्म हो गया क्या जी? ख़त्म हो गया? बिक गया सब? हैं, क्या बेच रहे थे? चना बेच रहे हैं। पूरा बिक गया? नहीं, और माल बचा हुआ है। माल तो प्रधानमंत्री तो फायदा करवा दिया आपका। जी सर। अब चना कहाँ बेचते हैं? कब्बरी चौक में सर। कितना प्लेट परात है ये? तो कितना प्लेट बेच दिया? वो कितना बेचेंगे सर? 700-800 बेचेंगे, अभी तो गेट खुला इसलिए घुसे हैं। ये लेकर आइए, हम नहीं रोकेंगे आपको, जाइए बेचिए। जा रहे सर। पूरा बिजनेस चल रहा है, सब कोई खुश है। कहाँ से आए हो जी? हम लोग कहाँ से आए? कोर्रा से। हैं? कोर्रा से। कोर्रा से जी। पढ़ते हो? हाँ। कौन सा क्लास में? 8 क्लास में। स्कूल कौन सा हो तुम भी? हम देवांगना मतलब मिडिल स्कूल कोर्रा बॉयज। तो प्रधानमंत्री को देखने आए हो? सरकार को देखने आए हैं। मोदी जी पसंद हैं? हाँ। हैं, क्या कहना चाहोगे मोदी जी को? कुछ नहीं, एक बार देखना चाहते। और कहाँ से आए हैं? हम लोग। हाँ, क्या नाम हुआ? मंगनपुर से। नाम क्या हुआ? शीला देवी। मोदी जी को देखने आए हैं? हाँ। कुछ बोलना चाहते हैं? क्या बोलेंगे ऐसे? बोलने चाहते हैं क्या? कुछ दिए हैं? नहीं, मेरा गैस दिया है, कुछ नहीं दिया है। गैसो नहीं मिला आपको? नहीं, कुछो नहीं। अच्छा, कुछ नहीं मिलता है? अच्छा, राशन मिलता है? हाँ, थी, हाँ, चावल मिलता है। चावल मिलता है? खाली गैस नहीं मिलता है ना? गैस नहीं मिलता है। गैस पास करा दीजिएगा? हाँ, गैस पास करा दीजिएगा। ठीक है, गैस पास। प्रधानमंत्री जी, यहाँ गैस नहीं मिल पा रहा है। शीला देवी को गैस नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा? थोड़ा प्रबंध करो। शीला देवी जी को गैस नहीं मिल रहा है? हम लोग भी बोल रहे हैं, सुनिए। गैस नहीं मिला है? गैस नहीं मिला है, कैसे मिलेगा गैस? मिलना चाहिए, राशन मिल रहा है ना? हाँ, राशन मिलता है। राशन मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, तो पकेगा कैसे? लकड़ी में पकाते हैं? लकड़ी पकाते हैं, कोयते करके, झुरी झांटा से, पाला पत से। अच्छा। इतना दुख से खाना बनाते हैं, 4 गो बाल बच्चा पोसते हैं। ठीक है, हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। ठीक है ना, इतना दुख से हम लोग आए ना, काम मिलेगा देखेंगे ना। बहुत अच्छा है, आप लोग आए सुनने के लिए। बिल्कुल सुनिए, देखिए क्या दे रहे हैं, आपका हक है जानना। नाम क्या हुआ? मीना देवी। मीना देवी। कहाँ से हैं? सूरजपुरा। तो प्रधानमंत्री को देखने आए हैं? जी। क्या बोलेंगे? अरे क्या, सब दिक्कत? क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है? दिक्कत तो बहुत है बाबा। क्या दिक्कत बोलेंगे? दिक्कत तो है। बताइए। क्या बता दें, दिक्कत बोलना चाहिए, जो दिक्कत है ना वो बताना चाहिए, शिकायत नहीं होता है। दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत का तो आदमी सलूशन निकाल देगा। दुगो पोता है टुअटा पर, बेटा बहुत समर गया है दुगो। अच्छा, तो बहुत दिक्कत है पतवन के। आप अकेले हैं? हाँ, यार है ना, यार लड़का है, पतवन के मतलब पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हुआ। अच्छा। और क्या बोले, कम में पढ़ा छोटा छोटा में जी। यहाँ बहुत लोग हैं, सबकी अपनी अपनी पीड़ा है। अरे प्लेट भर गया फिर से? भर गया सर। अभी खाली हो जाएगा थोड़ी देर में? नहीं, चलिए चलिए, बहुत अच्छा है। कैसे प्लेट है ये? 10 का है सर। 10 का है ना? मात्र 10 का है। बढ़िया है, बढ़िया है, खिलाइए सबको, खिलाइए। झारखंड में जितना भी परीक्षा हुआ सब में लीक हुआ और कहीं कहीं इसमें सरकार, झारखंड सरकार का हाथ है और बेचा जा रहा है सीट। अच्छा। बहुत से सीट, इसलिए नौजवान तो पूरा बदलाव के मूड में हैं और इस बार बदलाव होगा
क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा सहबाज। क्या करते हो? पढ़ते हैं। कहाँ? यहीं पे मटवारी। मटवारी में पढ़ते हो? हाँ। क्लास में? सिक्स में। सिक्स में? हाँ। यहाँ पीएम को देखने आया हो? हाँ। प्रधानमंत्री को? हाँ। थोड़ा मेला लगा है नहीं? हाँ। बहुत भीड़ है? हाँ। ठीक ठीक, देखो पीएम बोल रहे हैं, सुनो। तुम्हारा दोस्त लोग है? क्या नाम हुआ आपका? कांति कुमारी। कांति कुमारी, आप मोदी जी को देखने आए? देखने नहीं आए, प्रश्न करने आए। क्या प्रश्न करने? कि देश के लिए तो मोदी ठीक है, राज्य के लिए इसकी सरकार अच्छा नहीं है कि परिवर्तन की सरकार ला रही है। हम भी इसको पूछना चाहते हैं कि इनकी सरकार भी 5 बार मुख्यमंत्री बने, तो इनकी सत्ता भी 2014 से 2019 तक रही। इनकी सत्ता रघुवर सरकार की सत्ता रही, डबल इंजन की सरकार रही थी। क्या हमारे झारखंड वासियों को क्या लाभ दिए थे? हम कहते हैं कि जब नियोजन नीति नहीं ला पा रहे तो हमारे राज्य में तो एक तो गरीब तो है, इतना संपदा होते हुए 40% अकेला राज हमारा झारखंड है जो 40% खनिज संपदा देता है। तो हमारे कहते हैं जब 40% है तो हमारा राज गरीब क्यों है? अभी हेमंत सोरेन की सरकार है तो क्या वो नियोजन नीति ले पाए? नहीं नहीं दे पाए, तो पूरा फेल्योर रही, विरोधी सरकार रही, 0% लैक नहीं है। क्योंकि ये तो मैया योजना में सबको ठगने में प्रयास कर रही है। अरे सोच रहे कि हमने बहुत अच्छा प्रयास किया महिला लोग ठीक है, इनकी चुनावी भत्ता था, मानते हैं कि उनका था, तो ये 2 महीने अभी नहीं चुनावी आया, ये जखनी सरकार बनी थी 6 महीने बाद शुरू की रहती तब मानते कि इनकी योजना सही है। अभी चुनावी मुद्दा बनाया हेमंत सर, सीजीएल का क्या होगा? डायरेक्ट हमारा सीएम से, हमारा राज्य के सीएम से प्रश्न है। आप तो बोलते हैं कि हमारा आयोग ने कर रहा है, तो आप क्यों मुखिया बने हैं? राज क्यों चलाने बैठे हैं? आपको सत्ता नहीं संभालना चाह रहा, गद्दी छोड़ने दीजिए, आप पे क्यों विश्वास करेगा? एक बार छोड़ कर कितना बार फॉर्म भरवाया, 28 जनवरी का एग्जाम लिया वो भी रद्द किया, हम लोग का 350 किलोमीटर दूर भेजा था, पाकुड़ जिला भेजा। आप एग्जाम दिए थे? दिए थे 28 तारीख को, बस में नहीं आए तो उसमें फिर देखे क्वेश्चन लिखकर रद्द कर दिया। फिर आज 22 तारीख को एग्जाम दिए तो ये नहीं, एग्जाम देकर रूम से नहीं आते हैं तो क्वेश्चन लीक हो जाता है। तो हम कहते हैं कि इसमें तो बोलता कि डबल लेयर था, बक्सा पैक था, आपका सारा पैकेज पैक था, सब कुछ पैक था। हम तो पूछना चाहते हैं एक प्रशांत कुमार और सीएम से डायरेक्ट पूछना चाहते हैं कि हमारा बात सुन रहे तो आप देखिएगा, गौर से सुनिएगा। जब आपका क्वेश्चन पत्र आपको बाहरी लोग कौन है लिख करता है, आपको वहाँ का चेयरमैन डायरेक्ट लीक करता है, आपको वहाँ पे सचिव वो लीक करता है जिसमें सीएम संलिप्त है, क्योंकि बाहरी लोग को नहीं कर सकता। आपको एजेंसी ने गुप्त रखा, क्यों गुप्त रखा? एजेंसी को आपने हायर क्यों नहीं किया? आपने नेट बंद करके क्या सोचा कि हमने क्वेश्चन लीक नहीं करेंगे? क्या हमारे युवाओं को ठगने का प्रयास किया? नहीं, अब पूछना चाहते हैं, प्रशांत कुमार का कॉन्फ्रेंस में था, बोल रहे थे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रैंडमली रिपीट करता है। हम उनसे पूछते हैं, वो आईटीआई बोल रहे थे कि हम आईटीआई देख आए हैं, उन्हीं से प्रश्न मेरा डायरेक्ट है, ठीक है? तो वो बोल रहे रैंडमली था, एक दो क्वेश्चंस हो सकता है लेकिन लगातार ज्यादा क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन मैं पूछा था, तो 20 में आपने सीजीएल का पूरा सेंटर सीजीएल का टीयर 2 का जो क्वेश्चन था 8 अगस्त का, उसमें 20 क्वेश्चन उठाया, तो 20 क्वेश्चन का मेरा हाइयर था क्वेश्चन और 20 में 20 उठाया, तो हमारा लग तो झारखंडियों का शोषण किया। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था 2019 का जो सचिवालय लिया था, उसका 16 क्वेश्चन रैंडमली उसका किया, रीजनिंग किया 20 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन रिपीट किया। अब जब कंप्यूटर का IBPS का जो हमारा कंप्यूटर था 2023 में उसका क्वेश्चन रिपीट कर गया तो 72 क्वेश्चन ने रिपीट किया। अरे जी और क्या किया सरकार, सोचा कि बहुत अच्छा है, सभी लोगों का बहुत अच्छा एग्जाम लेना सोचा, हिंदी वाले को नागपुरी वाले को 21 तारीख को, और जब खोटा वाले जब क्षेत्रीय लोग था खोटा भाषा छात्र भरे थे, सारा लोगों ने भरे थे, उसको क्या किया UPSC का CSAT का पेपर उठा के पेपर 1 में डाला, सोचा कि नहीं क्वालिफाई करें तो इधर ना इधर पढ़ेगा इधर करेगा तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्वालिफाई नहीं होगा, इसमें अधिकतर बच्चा तो क्वालिफाई नहीं हो रहा है। सबसे पहले पेपर 1 CSAT का, UPSC और JPSC का CSAT कहाँ कर, UPPSC का कहाँ से उठाने का अधिकार हुआ? अपना सिलेबस जारी किया था 10th लेवल तक का पूछेंगे, तो अपने आपसे सवाल उठता है, प्रीवियस ईयर का रिपीट करेंगे तो सिलेबस क्यों जारी करते हैं? डायरेक्ट प्रश्न आयोग सर, उसका जो क्रम क्या बोलते हैं
अरे एजेंसी जो लूप रखा तो वो बोला कि हम स्कैनर बड़ी अच्छा से रखे हैं। अरे जो पहले जम 28 वही तो स्कैनर इसमें भी छिपा हुआ है, उसी का मोहर है। तो फिर दूसरी का तो चोरी से आप फिर चोर है संगलिप है, तो ये तो बहुत अच्छा था क्वेश्चन लीक करने का तरीका कि रैंडमली क्वेश्चन ने बोल दिया होगा कि सीजल 22 का पढ़ लिया, 19 का पढ़ के आई है, 23 का कंप्यूटर पढ़ के आई है, तो क्लिक करने का क्या है इसमें सरकार। इसका सलूशन क्या है, आपको क्या लगता है? ये क्वेश्चन रद्द नहीं करेगा ना तो इसकी सरकार कभी आने नहीं देंगे। मुखिया लग रहा बनेगा हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन चाह रही कि हम बहुत नेता बहुत अच्छे हम महिला नेता है। वो तो मैया समान योजना को लेकर घूम रही है। घूम रहे सुनिए ना, कल्पना सोरेन ऐसा हम लोग दुत्कारेंगे ना कि कभी उसका परिवारवाद अपना विकसित करना चाह रहे हैं। परिवारवाद नहीं है यार, उसकी घोषणा पत्र में दिव्यांगों का था 2500 रुपये करेंगे, 2500 रुपये घोषणा पत्र में था। क्या मुख्यमंत्री हमें घोषणा पत्र को जारी किया और विकलांग मैया योजना तो 1000 रुपये दे रहा है सबको दिया दो दो महीने से, विकलांग को 4 महीने क्यों रोका है पेंशन, क्यों रोका है, उसका अवकाश नहीं है देने का क्या? अभी सबसे लचार कौन है, दिव्यांग है हमारे। एक पूछता कि अगुआ अबुआ आवास ने बोला कि बहुत हम आपकी सरकार आपके द्वार में दे रहे हैं, हमारे गरीब जनता को पूछना चाहते हैं जिसकी पैसा उसी को अबू आवास मिल रहा है कैसे, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमसे ही पैसा मांगा हम लोग को नहीं देता वहाँ को उसका कौन पैसा मांगता है? सब मांगता है, वहाँ के अधिकारी लोग भी मांगता है, सारा संदिग्ध था, सब लोग संदिग्ध था। इसमें जब सरकार संदिग्ध है तो कोई ऐसा मांगने का अधिकार नहीं है और इसमें सारा करप्शन है। हम लोग कहीं भी जाते कोई चीज बनाने के लिए दिव्यांग के बारे में तो कहीं इतना बार चक्कर लगाना पड़ता है, कोई नहीं सुनता है, कोई अधिकारी नहीं सुनते। सबसे पहला बार दिव्यांग को तो सामान दिया ही नहीं, एक तो लाठी डंडा भी कर दिया था 2022 में हम लोग का जब राज हम लोग घेराव किए थे, तो ये तो विकलांग को भी नहीं सह सका, तो इसकी सरकार रहने का। और अभी जितना ही सोच रहा है कि हम बहुत अच्छे चला रहे हैं मैया योजना करके या कुछ कुछ योजना इसका सफल हुई है, हम नहीं मान गलत है मगर सफल हुई है मगर 100% नहीं हुआ है। युवाओं को तो पूरा विरोधी सरकार आई नौकरी देना असफल हो गई और इसका चुनावी वादा भी सफल, इसका सारा विधायक मंत्री लोग भी असफल हुए, कितनों भी अंबा प्रसाद भी इसका विधायक है, युवा विधायक है, शिल्पी नेहा तिर्की भी युवा विधायक है, खाली लोग बाहर में बोलने आता राजनीति करने आता है, अंदर में जाएंगे ना तो विधानसभा में बोलने का नहीं औकात नहीं होता कि हमने क्या स्टूडेंट का बात रखे। आप देख सकते हैं हमारा सीजीएल रद्द होना चाहिए, नहीं रद्द होगा इस सरकार को कभी नहीं आने देगा, इसका एक भी कांग्रेस और जेएमएम का सरकार ने एक भी विधायक देखना नहीं चाहेंगे। सारे युवा से अभियान करते हैं पूरा 2400 जिला के कि जेएमएम का कांग्रेस को उखाड़ के फेंकिए और बीजेपी को भी उखाड़ के फेंकने का आवश्यकता है कि हमारे 24 साल में 13 मुख्यमंत्री बने हैं, 13 मुख्यमंत्री में सीएम बोलते हैं कि हमारे बड़ी कम समय मिला। अरे भैया आपके ही 7 मुख्यमंत्री बने हैं, आपने बोलता 4.5 साल मिला है, आपके जिस सीएम शिबू सोरेन बने थे किसकी मुख्यमंत्री थी? 3 बार तो सीएम शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने, 3 बार अपना मुख्यमंत्री बना, 1 बार चंपाई सोरेन बने, तो आप ही सर सवाल करेंगे ना, आपकी सत्ता आप किसके सवाल करेंगे हम? बिल्कुल, ये छात्रा भी हैं और काफ़ी रोष में भी हैं, इन्होंने परीक्षा दिया था और काफ़ी दुखी भी हैं और इनका अपना इश्यूज़ भी है, दिव्यांगों को लेकर भी इश्यूज़ भी है। हाँ तो हम अब बढ़ेंगे चूँकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यहाँ ख़त्म हो चुका है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ बोलिए, क्या नाम है? मिथिलेश कुमार सिंह बोल। आज झारखंड के युवाओं में लगभग 6 लाख युवाओं में राज्य सरकार के प्रति पूरा आक्रोश है, एकदम पूरी तरह से आक्रोश है कि सचिवालय जितना वैकेंसी निकाला जो लिया है एग्जाम पूरा पेपर लीक करवा दिया है, पूरा 3 दिन पहले लगभग 22 तारीख के बाद जितना जो प्रोटेस्ट किया है हजारीबाग से लेकर पैदल मार्च जो गया था 30 तारीख को रांची पूरा यहाँ से वहाँ तक, लेकिन एक बार सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, वो बोल मानना नहीं चाहता है कि पूरा पेपर लीक हुआ है इसको, लेकिन यहाँ के छात्र पूरा प्रूफ दे रहा है लेकिन उसका पीछे हटने तैयार नहीं हो रहा है। छात्र क्या चाहते हैं? छात्र चाहता परीक्षा रद्द हो, सीजल पूरा रद्द हो और जो पिछली बार जो गिरोह पकड़ाया था उसको सजा दीजिए, जो अपना कानून लाया था कि जो पकड़ा गया उसको 1 करोड़ और 10 लाख की सजा मिलेगा उसको सजा दीजिए पहले, और वो किस पर होगा हम लोग छात्र अथी करेंगे नहीं उस पर, हम लोग का जाले डालेगा जो गिरोह है, गिरोह का पकड़ के दिया लेकिन उसको कहाँ पता नहीं अभी तक, कोई आता पता नहीं है।
अभी तो हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना को लेकर बताते हैं मैया पर योजना, वो कहा किया है कि पहले देता था 100 रुपये में वैकेंसी निकालता था, जितना जब वैकेंसी था फॉर्म के दाम 100 रुपया था, और हाँ फिर जब जब से मैया योजना निकाला है तो कहा किया है सब जब मैया के जब बेटा है ना जैसे हमरेन वकील से कहा किया फॉर्म के दाम 1500 रुपया कर दिया, मतलब जो जेटेट जेटेट निकला था फॉर्म जेटेट उसका बहाली कर 1500 कर दिया है, आप क्या किया है तो मतलब बेटा पैसा लेके और फिर मजाक दे रहा है, तीन लड़का अगर फॉर्म भरे दो लड़का फॉर्म भरेगा नहीं तो फॉर्म के दाम 3000 तो तीन को मार के दे दिया। तो छात्रों का कहना है कि बेटा का पैसा लेके मैया को दे दिया जा रहा है, यही योजना है। सब बता दिया है कि मैया देख ले तो इनके जब निकालो ये वैकेंसी पैसा दल हो वो हमारे लिए पैसा लेके फिर तो नहीं दे दल हो, इसलिए खुश ना हो जाए कर से खुश कोई जरूरत ना हो। तो आप लोग क्या चाहते हैं फिलहाल, क्या चाहते हैं? यही है हम लोग यही चाहते हैं ना कि जब मैया दे रहा है हम लोग पैसा दे रहा है उससे को माँ तो उससे खुश नहीं होने वाला है सरकार से। अब फिलहाल सरकार से यही चाहते हैं कि माँ तो पूछती है कि उन लोग का भी आशा है ना, आशा करो अब बोलते हैं उन लोग क्योंकि उन लोग कैसे खुश हो गए कि उन लोग का बेटा आज हम लोग रो रहे हैं दुर्गा पूजा में घर कौन मुँह से जाए दिखाने के लिए तो लोग हजारों में पढ़ा रहे हैं अलगुआ दे। आप लोग भाजपा की परिवर्तन यात्रा में आए, प्रधानमंत्री आए थे, काफ़ी भीड़ आई थी, तो क्या उम्मीद लेकर आए? हम लोग कहा गया था जब रघुवर दास जिस समय था उस समय परिवर्तन करके इसको लाए हैं कि झारखंडी मूलवासी आदिवासी का भलाई करेगा, लेकिन ये कहा क्या है झारखंडी आदिवासी मूलवासी को कोई कोई सब फायदा नहीं हुआ है, ये बोलता कहा है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी के जल जंगल जमीन के बचाएंगे, कहते कोई आपको जरूरत बचाने की जरूरत नहीं है, उसके खातिर तिलका मांझी बिरसा मुंडा शहीद हो चुका है, जल जंगल जमीन बचाने के लिए शहीद हुआ है वो सब है आपको कोई जरूरत नहीं है, वो जल जंगल बचाने CNT आ गया है SPT आ गया तो कानून तो है ये है छू नहीं सकता है, अगर आपको आदिवासी मूलवासी को यहाँ कर बेटा को उसका नौकरी दीजिए, अब जमीन बचल है कोई पैसे नहीं रहेगा क्या करेगा जमीन को लेकर। छात्रों में रोष है, छात्रों को चाहिए कि जो एग्जाम है वो कैंसिल है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, हम कर रहे हैं एक मिनट में। हाँ जैसे 30 तारीख को हम लोग घेराव तो किए थे रांची में, तो जब हमारे कुछ 11 टीम गए थे उनके साथ वार्ता करने के लिए, तो सबसे पहले तो बोला गया कि लाइव दिखाया जाएगा, वो क्या किया अपना सारा चीज लगता वहाँ बंद कर दिया नेट, लाइव तो दिखा नहीं, उसके बाद क्या किया 2 घंटा तो बलगलाया सारा हमारे लोगों को, एक तो जब हमारे लोग पूछना चाहें तो वो अपने डांट के आकर्षित बोलते हैं कि नहीं करना है। अच्छा, डांट कर बोल रहे थे सुधीर गुप्ता जी। अच्छा। बोल रहे थे कि आपको केस कर देंगे क्या, नहीं नंबर क्या आपने इससे किया तो नहीं करेंगे, तो हम पूछते हैं आप सचिव हैं तो किसको पूछेंगे, आपने ये क्वेश्चन लिख किया ना, कौन लिख किया, बाहरी आदमी आया आप क्वेश्चन सेट करते हैं, आपने अध्यक्ष बोलते अध्यक्ष कॉन्फ्रेंस बोलता 2 दिन में रिजल्ट जारी कर देंगे, ये बोलते कौन बोला 2 दिन में रिजल्ट जारी करेगा, आप लोगों का समन्वय नहीं बढ़ता है का, तालमेल नहीं बढ़ता है, अध्यक्ष का बढ़ता है सेक्रेटरी का बढ़ता है मुख्यमंत्री का बढ़ता है कैसे नीति बनता है। छात्र इतनी तपस्या से परीक्षा देते हैं पढ़ते हैं और अंत में पता चलता है कि परीक्षा लीक हो चुका है, आप खिलवाड़ कर रहे हैं उनके फ्यूचर से। हेमंत सोरेन से छात्रों को यही कहना है कि ये परीक्षा कैंसिल होना चाहिए। कैंसिल हो जा रहा है इसी तरह राजनीति तो होना चाहिए, क्योंकि रैंडमली 72 क्वेश्चन रिपीट किया, साबुत देने की आवश्यकता नहीं है, आपको आँख तो चश्मा लगा के नहीं दिखता है तो चश्मा लगाइए, पावर का चश्मा लगाइए ना दिखता है तो, आपका प्रशांत कुमार को भी बोलता है अध्यक्ष को भी बोलता है और सेक्रेटरी को बोलता है सुधीर गुप्ता को भी बोलते हैं कि चश्मा लगा के देखिए रैंडमली रिपीट करता है, आप UPSC का फाट करवाइएगा 10th लेवल के लिए झारखंड वासियों का लूटने का आवश्यकता कर रहे हैं और 35 लाख में सीट बेचिएगा, हमसे मांगा जा रहा था 30 लाख दीजिए। कौन मांगा पैसा? मांग रहा था उसका दलाल लोग, बोलता अफसर लोग लिख होता है, अफसर लोग इसमें सारा क्वेश्चन लिख करवाता है। पैसा मांगा? हम अफसर लोग नहीं मांगा, दलाल लोग मांग रहा था, तो हम घूम रहा था तो 23 तारीख का बात हमी जम देने के बाद मांग रहा था, बोला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दो सब, हमारे पास रिकॉर्डिंग है जो 30 लाख मांग रहा था। अच्छा रिकॉर्डिंग है? हाँ रिकॉर्डिंग है उसका, आप दे सकते हैं हम लोग को? दे सकते हैं, उसे तो हम लोग लगा ले कोर्ट में, कहा सोचता है इसका अधिकारी लिप्त होता है, कोई लिप्त नहीं होता इसमें। अभी तो छात्रों ने सबूत भी दिया था, CD भी दिया था, तो उन्होंने कहा कि CD में कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, वो खुद चोर है, अपने उसके बात पर कैसे विश्वास करें, जब हम लोग 26 को दिए थे बोला कि ब्लैंक है, अरे तुम्हारा आँख फूटा हुआ है, और मुख्यमंत्री तो टाल मटोल करते हैं, और 5 महीने जब जेल में रहे थे तो कल्पना सोरेन का तो अकबक्की चढ़ रहा था कि हमारा मालिक गए जेल गए तो चोरी किए थे सर, जेल गए थे हमने चोरी नहीं किए, नहीं गए वो गए थे चोरी भी करेंगे जेल ले जाएंगे, रुपया करेंगे
बताए अभी युवा के लिए क्या कर रहे हैं, अभी पूरा चुनाव में 35 लाख 30 लाख में सीटवा बेच रहे हैं, तो सुनो मेरा चुनावी पूरा खर्च आ जाएगा, करोड़ों रुपया आ जाएगा उसको, इसी वजह सीटवा बेच रहे हैं। पीजीटी भी इसी तरह बेचा। बिल्कुल, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए सर, पहले क्या था कि सब माँ बाप गर्व महसूस करते हैं कि मेरा बेटा अभी पढ़ रहा है, लेकिन सबसे खराब अभी लग रहा है कोई जिसे पूछता है बेटा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ते हैं अभी ले, मतलब सबसे खराब अभी हम लोग बाल कैसे पकेगा, मतलब देखिए दो ही कारण है, पढ़ाई में यही दो ना सुनिए ने, पढ़ते पढ़ते क्या होगा नहीं, अगर जिसका अगर बाल ना पकता है तो बाल सफ़ेद हो जाएगा, लेकिन जिसका अगर बाल सफ़ेद नहीं होता उसके ऊपर बाल झड़ जाएगा, पढ़ते यही दूर होता है। तो क्या होता है सबसे, मतलब हम लोग सबसे खराब महसूस करते हैं पढ़ा लिखल का है, जैसे कोई लड़का अगर पोकलन चला रहा है, जैसी भी चला रहा है, जैसे अगर शादी होता अगर जब जाता है ना ढूंढने के लिए तो मतलब क्या कर रहा है, शुरू ढूंढता है ना बढ़िया लिखा पढ़ा लिखा लड़का चाहिए हमारा, फिर क्या होता है कि जब देखता है क्या कि जब पढ़ा लिखा तब हाँ कुछ कर रहा है, नौकरी कर रहा है नहीं, तो सबसे पढ़ा लिखा जो नली साफ करता है नौकरी खराब है, मतलब बेरोजगारी है जाना, तो कुत्ता के बगल रोटी दे देगा लेकिन बेरोजगार लड़का कौन देगा रोटी। बिल्कुल बिल्कुल बात सही। तो सरकार के खिलाफ छात्रों में काफ़ी रोष है और उन्होंने अपनी बातों को खुलकर कहा है, जो महिला है इन्होंने अपनी बातों को खुलकर रखा है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आप हमारा शो भ्रमण देखते रहिए, जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।